हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं रोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक टीवी है, रोनेक्स कंपनी का। ये 14 इंच का टीवी है। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पर जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले तो इस टीवी का प्रॉब्लम देख लेते हैं। दोस्तों जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो पावर इंडिकेटर जलता है वो तो जल जाता है, लेकिन इसका जो साउंड है वो साउंड भी आ जाता है, लेकिन इसका जो पिक्चर होना चाहिए वो पिक्चर हमारा नहीं है। मतलब दोस्तों इसका तो साउंड सेक्शन ओके है इसीलिए साउंड आ रहा है, लेकिन हमारा टीवी पे स्टैंड बाई मूड से रिलीज होने के बाद भी हमारे टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए वो वाला पिक्चर नहीं है। मतलब इसका टीवी पे कुछ तो प्रॉब्लम है जो हमारा लाइट सेक्शन को ऑन नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका प्रॉब्लम देखूंगा और इसका सॉल्यूशन की ढूंढ के निकालूंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो पता कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं पहले टीवी को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, दोस्तों मैंने टीवी को पहले से ही खोल के इसका प्रॉब्लम ढूंढ के निकाल चुका हूँ। इसके बाद मुझे लगा इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना ज़रूरी है। इस वाला प्रॉब्लम कभी कभी आप लोगों को मिल जाता है, आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत होता है, इसीलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जब टीवी को खोला था तब हमारे टीवी पे ये ESD हमारा स्पार्किंग कर रहा था, इसीलिए ESD को मैंने खोल के नया वाला लगा चुका हूँ। लगाने के बाद ही इस वाला प्रॉब्लम को मुझे मिला, इस वाला प्रॉब्लम, क्योंकि इसको जब मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद जो वोल्टेज होना चाहिए वो वाला वोल्टेज तो मुझे मिल रहा है, और हमारा जो साउंड होना चाहिए साउंड भी मिल रहा है, और AV पे कनेक्शन देने से हमारा AV का साउंड भी आ जाता है। लेकिन क्या होता है, हमारा TV पे जो लाइट होना चाहिए, जो स्क्रीन होना चाहिए, वो वाला स्क्रीन हमारा नहीं है। इसीलिए ये वाला प्रॉब्लम को फिर से मैं आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगा। इसीलिए प्रॉब्लम को फिर से करेक्ट कर लिया हूँ, फिर से वही प्रॉब्लम को लेके आया हूँ। और मैंने जब टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद टीवी तो स्टार्टिंग हो जाता है, और जो हमारा फिलामेंट होता है टीवी का, जो निक का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट जल रहा है, शायद देख सकते हैं फिलामेंट ऑन है। फिलामेंट ऑन है इसीलिए हमारे टीवी पे इंडिकेटर जो स्क्रीन पे पिक्चर होना चाहिए वो वाला पिक्चर आना चाहिए था, नहीं लेकिन इस पर पिक्चर नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले से जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज से चेक करेंगे। जैसे पावर सेक्शन पे जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक करेंगे। जैसे हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज निकलता है 115 वोल्ट, वो वाला वोल्टेज ओके है। दूसरा वोल्टेज जो 27 होता है, 27 भी ओके है। उसके बाद जो 12 वोल्ट होता है, जो रेगुलेटर सेक्शन पे कनेक्शन दिया जाता है, वो 11 वोल्ट ओके है। उसके बाद एक वोल्टेज होता है जो 14 से 17 वोल्ट होता है, जो हमारा साउंड सेक्शन के लिए दिया जाता है, वो भी हमारा सही है। मतलब पावर सेक्शन से सभी तरीके से वोल्टेज आ रहा है, और वोल्टेज आने के बाद हमारा सिस्टम भी चालू हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ये बता रहा हूँ, हमारा जो ESD है, ESD पे जो हमारा 115 वोल्ट इन हो रहा है, ESD पे तो इन हो चुका है। उसके बाद जो हमारा प्रोसेसर रनिंग होने के बाद हमारा ESD पे जो 200 वोल्ट बनता है, 180 से 200 वोल्ट बनता है, देखिए हमारा 200 वोल्ट बन रहा है। क्योंकि ये वाला ESD हमारा रनिंग है, इसीलिए 115 वोल्ट को हमारा 200 वोल्ट तक तैयार कर पा रहा है। वो वाला वोल्टेज हमारा ए पिन पे भी आ चुका है, जो हमारा बेस बोर्ड पे पिन पे भी आ चुका है। मतलब हमारा ESD से जो वोल्टेज निकल रहा है हमारा बेस बोर्ड पे पहुंच रहा है। पहुंचने के बाद जो कलर फिल्टरिंग होना चाहिए वो कलर फिल्टरिंग हो रहा है, नहीं तो ये वाला वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम दिखाता। स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है। जो मैं इस प्रीसेट को, जो हमारा नीचे वाला जो प्रीसेट होता है, जो स्क्रीन का प्रीसेट होता है, वो वाला प्रीसेट को मैंने, देखिए ये वाला लो, इसको हाई कर देते। हाई कर देने से भी इसका जो रिटेक्स लाइन होना चाहिए, जो हाई स्क्रीन होना चाहिए, वो वाला हाई स्क्रीन भी नहीं है। मतलब इसका जो ESD से स्क्रीन का जो पॉइंट जाके हमारा बेसबोर्ड से कनेक्टेड है, कनेक्ट होके हमारा ट्यूब पे जो
कनेक्ट हुआ है, वो वाला पॉइंट पे जो वोल्टेज जाके हमारा पिक्चर तैयार करना चाहिए था, वो वाला पिक्चर तैयार करने नहीं पा रहा है, इसीलिए इस वाला वीडियो को लेके आया हूँ। और एक चीज़ बता दे, इसका जो हीटर का वोल्टेज आ रहा है, इसीलिए हमारे हीटर का भी वोल्टेज फिलामेंट जल रहा है, वो भी सही है। उसके बाद दिखा देता हूँ हमारा जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर पे जो जो पॉइंट है, जो प्रोसेसर पे हमारा दो तीन वोल्टेज तैयार होता है, जो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज जो होता है हमारा इफ्रोम आईसी पे आता है, वो हमारा 5 वोल्ट होता है। ये देखिए हमारा 5 वोल्ट होता है, 4.95 वोल्ट, वो तो आ रहा है। एचसीएल एसडीए पे भी जो वोल्टेज होना चाहिए वो वाला वोल्टेज आ रहा है एचसीएल एसडीए में। और जो स्टार्टिंग होने के बाद जो दो वोल्टेज तैयार होता है, एक वोल्टेज होता है हमारा जो 5 वोल्ट होता है, ये वाला वोल्टेज जो डायरेक्ट ट्यूनर पे जाता है और हमारा मेन आईसी पे जाता है, और एक 8 वोल्ट होता है जो हमारा आईके के लिए सप्लाई दिया जाता है ये वाला पॉइंट पे, जो हमारा कालर सेक्शन पे होता है। देखिए 8.7 दिख रहा है, मतलब हमारा रेगुलेटर सेक्शन का भी वोल्टेज सही है। इसके बाद और एक सिस्टम दिखा देता हूँ, जो हमारा आरजीबी का जो वोल्टेज होता है, वो आरजीबी का भी वोल्टेज ओके है। जो आरजीबी का वोल्टेज नहीं होगा तो हमारा स्क्रीन पे पिक्चर नहीं आएगा, तो इसीलिए दिखा देता हूँ। ये हमारा आर का पॉइंट है रेड वाला 1.3, उसके बाद जी पे भी हमारा 1.23 आ रहा है, और बी पे भी हमारा 1.3 वोल्ट आ रहा है। मतलब हमारा आरजीबी पे सभी तरीके से वोल्टेज सही है, आईके की भी वोल्टेज सही है, रेगुलेटर की वोल्टेज सही है, फिर भी हमारा पावर सेक्शन वोल्टेज सही है, हमारे ईएसटी से हमारा 200 वोल्ट जो होता है वो भी निकल रहा है, वो भी सही है, लेकिन हमारा टीवी पे पिक्चर नहीं है। और एक चीज़ बता दूँ, जो हमारा फिल्टरिंग होने के बाद जो दो निक पे जो हमारा आरजीबी का जो वोल्टेज होता है वो भी हमारा आ रहा है, देख सकते हैं हमारा आरजीबी का वोल्टेज भी आ रहा है, फिर भी हमारा टीवी पे कुछ भी पिक्चर नहीं है। ये पिक्चर क्यों नहीं है, इसीलिए मैंने जब इसको चेक किया तो मुझे लगा जो जो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। मैंने पहले इसका जो बेस था, इस बेस को मैंने चेंज करके देखा, इसका बेस ख़राब नहीं है, वो पुराना बेस को फिर से लगा लिया हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा बेस का जो इस वाला जो फोकस का जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट पे हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमारा ये वाला पिक्चर आने का प्रॉब्लम दे देता है, इसीलिए मैंने बेस को चेंज किया था, ये वाला बेस को चेंज किया था। बेस को चेंज करने के बाद भी हमारा टीवी पे कोई भी पिक्चर नहीं आया। उसके बाद मैंने सोचा जो हमारा मेन आईसी है, जो हमारा मेन प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर हमारा शायद ख़राब हो सकता है, इसीलिए हमारा लाइट नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने क्या किया, एक प्रोसेसर लिया, उसको लगाया, फिर भी वही प्रॉब्लम दे रहा था। इसीलिए मैंने जब इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद नया वाला प्रोसेसर लगाने के बाद भी नहीं हुआ, वो पुराना वाला प्रोसेसर फिर से कनेक्ट कर दिया हूँ। और जब मेरा प्रोसेसर चेंज करने के बाद हमारा सिस्टम पे वही लाइट नहीं आया, तो पुराना वाला आईसी को फिर से लगा लिया। फिर मुझे एक चीज़ पता चला, हमारा जो बेस बोर्ड है, बेस बोर्ड पे ही प्रॉब्लम दे रहा था, हमारा सिस्टमेटिक जो मेन पीसीबी है वो मेन पीसीबी पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तब हम मुझे क्या लगा, एक बेस बोर्ड लिया, नया वाला एक बेस बोर्ड लिया, और बेस बोर्ड को जब कनेक्ट करके देखा तो हमारा टीवी पे पिक्चर आ गया था। तब मुझे पता चला इस पे बेस बोर्ड पे कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो आरजीबी पे प्रॉब्लम हो सकता है, जो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है, हमारा रेजिस्टर होता है, उस पे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लाइट वाला कुछ प्रॉब्लम क्या कहाँ से हो रहा है, वो वाला प्रॉब्लम हो रहा है हमारा जो इस वाला पॉइंट है, पॉइंट से जो हमारा G2 का पॉइंट है। ये G2 पे हमारा जो वोल्टेज होना चाहिए वो 300 से 400 वोल्ट तक होना चाहिए था, वो वाला वोल्टेज कितना आ रहा है वो देख लीजिए, तो पता चल जाएगा जो हमारा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा था। मैंने टीवी को पावर दिया, टीवी स्टार्टिंग भी हो चुका है, और हमारा फिलामेंट जो है, फिलामेंट भी ऑन है। उसके बाद मैंने जब चेक किया तो इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज दिख रहा है 180 वोल्ट, जो वोल्टेज होना चाहिए हमारा 300 वोल्ट से 400 वोल्ट तक, वो वाला वोल्टेज हमारा नहीं है।
क्योंकि ये वाला वोल्टेज बैठ गया है, इसीलिए G2 का जो सेक्शन है वो G2 का सेक्शन काम नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने जब चेक किया तो इस पर क्या क्या लगाया हुआ है, G2 पे एक PF लगाया हुआ है जो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। ये वाला जो PF है वो हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, और कनेक्ट है हमारा बेस से, जो बेस हमारा बेस पे जो हमारा G2 का सिग्नल जा रहा है, जो वोल्टेज जा रहा है, वो वाला वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो गया है। इसीलिए हमारा ये वाला वोल्टेज सही तरीके से नहीं आ रहा है, और नहीं आने के कारण ही हमारा जो पिक्चर होना चाहिए वो वाला पिक्चर नहीं था। मैंने जब उसको चेक किया तो मुझे पता चला ये वाला जो PF है, ये वाला PF हमारा ख़राब हो चुका है। ये वाला PF को मैंने ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने ये पुराना वाला PF को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ये वाला PF हमारा शॉर्टेज तो नहीं है। ये वाला जो मैंने मीटर पे रख के ये वाला PF को चेक किया तो मीटर पे हमारा ये PF शॉर्टेज नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसका वैल्यू में कुछ तो गड़बड़ हो गया है, इसीलिए ये वाला PF हमारा काम नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या करना है, ये वाला PF का नंबर आप लोगों को शायद दिख रहा है, 102 KB का ये PF है। ये वाला PF को चेंज करके मैंने एक वही वाला PF लगाऊंगा जो 102 KB का PF है। ये वाला PF को कनेक्ट करूंगा, और कनेक्ट करने के बाद देखते हैं इसका जो प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम हटता है कि नहीं। दोस्तों मैंने पुराना वाला PF को चेंज करके नया वाला PF लगा चुका हूँ, और लगाने के बाद मैं फिर से TV को पावर देता हूँ। पावर दे दिया, और पावर देने के बाद इस पे वोल्टेज चेक करेंगे, जो इस वाला पॉइंट पे जो वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, और चेक करने के बाद देखेंगे हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सही तरीके से आता है कि नहीं। मैंने जब वोल्टेज चेक किया तो इस वाला पॉइंट पे देखिए हमारा 357 आ रहा है, जो वोल्टेज आ रहा था 140 वोल्टेज, वो वाला वोल्टेज हमारा 357 आने के बाद जो हमारा पिक्चर का प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम देखिए हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। जो वाला पिक्चर हमारा नीट पिक्चर आ चुका है, जो वाला पिक्चर का प्रॉब्लम दे रहा था, कुछ भी लाइट नहीं था, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं था, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इस पे जब तक हमारा 300 वोल्ट तक नहीं आएगा तब तक हमारा G2 काम नहीं करेगा, और सिस्टमेटिक जो पिक्चर होना चाहिए वो वाला पिक्चर नहीं आएगा। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम मैंने जब टीवी को ऑन किया तो हमारा टीवी पे सभी तरीके से वोल्टेज सही था, लेकिन हमारा टीवी का जो स्क्रीन पे जो पिक्चर होना चाहिए वो पिक्चर नहीं था। जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला हमारा सिस्टमेटिक जो वोल्टेज होना चाहिए, पावर सेक्शन, ESC सेक्शन, रेगुलेटर सेक्शन, हमारा मेन प्रोसेसर, जो बेस बोर्ड, सभी तरीके से वोल्टेज हमारा सही निकला, लेकिन हमारा बेस बोर्ड पे एक प्रॉब्लम निकला, जो हमारा G2 का जो वोल्टेज था वोल्टेज कम था वो वोल्टेज को सही करने के लिए मैंने उसका जो PF था वो PF का मैंने जब देखा तो ये वाला PF हमारा ख़राब निकला। नया वाला PF लगाने से हमारा TV पे पिक्चर आ चुका है, और हमारा TV पे जो पिक्चर सही तरीके से आना चाहिए वो वाला पिक्चर क्लियर हो चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था सही हो गया है, और इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।